अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज जिस हैंडगन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ दैट इज़ अ रिवॉल्वर, और ये रिवॉल्वर है टॉरस का। लेट्स अनपैक इट। तो व्यूअर्स, दिस इज़ टॉरस स्नब नोज रिवॉल्वर। इसका कैलिबर है 357 और 2 इंच रिवॉल्वर भी बोलते हैं इसको, स्नब नोज भी कहा जाता है इसको। दिस इज़ अ CCW रिवॉल्वर। CCW इज़ कंसील्ड कैरी वेपन। टॉरस के बहुत अच्छे हैंडगन्स आते हैं, बहुत अच्छी पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स आते हैं, और एज़ कम्पेयर टू अदर पिस्टल्स एंड हैंडगन्स इसकी कॉस्ट भी जो है वो चीप होती है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऑल पिस्टल्स एंड ऑल हैंडगन्स आर रोबस्ट, आर एक्यूरेट। इसकी ये जो रिवॉल्वर है दिस इज़ एन स्टेनलेस स्टील फिनिश। इसकी रबर ग्रिप्स है, बहुत ही हैंडी रिवॉल्वर है ये। फिक्स साइट्स हैं इसकी और लाइट वेट रिवॉल्वर है। इसका जो वेट है दैट इज़ 680 ग्राम्स, विच इज़ 24 ऑन्स। मॉडल नंबर है इसका 605। दिस इज़ टॉरस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्रेव हुआ है टॉरस, और दिस इज़ मेड इन ब्राज़ील। मेड इन ब्राज़ील ये टॉरस का लोगो है। इसका जो कैलिबर है दैट इज़ 357। मैं आपको बता देता हूँ कि 357 जो है वो काफ़ी हैवी कैलिबर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 9 mm भी ले लें। ये मेरे पास 9 mm बुलेट है राइट हैंड में, ये जो है 357 है एंड दिस इज़ 9 mm। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप ये देखें कि ये देखने में ही बहुत ही पावरफुल बुलेट लगती है इसकी, और मैग्नम बुलेट्स आर वेरी पावरफुल। सो व्यूअर्स, दिस इज़ अ रिवॉल्वर, स्नब नोज रिवॉल्वर मेड इन ब्राज़ील। 680 ग्राम्स इसका वेट है। आयरन साइट्स हैं फिक्स इसकी, ये फ्रंट साइट है, ये बैक साइट है। बहुत एक्यूरेट रिवॉल्वर है ये। 5 शॉट रिवॉल्वर होता है इसका। ये थंब, इसकी ये थंब रिलीज लैच है, इसको आप थोड़ा सा पुश करेंगे और ये जो इसका सिलेंडर है ये बाहर आ जाता है। दिस इज़ 5 शॉट, 1 2 3 4 5। ये इसकी एक्सट्रैक्टर रॉड है, जब इसको आप बाहर निकालते हैं तो बुलेट्स जब हम फायर कर लेते हैं जो MTS के राउंड्स होते हैं तो उसको आप पुश करते हैं तो ये इसको बाहर निकाल देता है। ये अच्छी लेंथ है इसकी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 inch है, तो जो मैग्नम की बुलेट होती है उनको ये आप इस तरीके से एम्प्टी कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी रिवॉल्वर है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब आप फायर करते हैं तो इसका जो सिलेंडर है दैट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ये डबल इन डबल एक्शन और सिंगल एक्शन रिवॉल्वर है। डबल एक्शन ऑल्सो यू नो फायर्स वेरी स्मूथ। इसका स्प्रिंग आप देखें, बहुत अच्छा एक्शन है इसका, और जब आप इसका हैमर पुल करते हैं तो इट बिकम सिंगल एक्शन, और बहुत ही थोड़े से प्रेशर के साथ इसका हैमर जो है वो फायर करता है। इसकी रबर ग्रिप्स हैं, फैक्ट्री फिटेड ग्रिप्स हैं ये। टॉरस का यहाँ पे लोगो भी है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी कंफर्टेबल ग्रिप लगती है इसकी व्हेन शूट आल्सो। सो मुझे इसकी कोई ऐसी नीड नहीं लगी कि मैं इसकी ग्रिप को चेंज करूँ। सो व्यूअर्स, इस रिवॉल्वर को आप कंसील कैरी भी कर सकते हैं, और अगर आपने रेंज शूटिंग करनी है तो इसका जो रिकॉयल है दैट इज़ वेरी हैवी। इसकी जो किक है बहुत हैवी किक है। इसी रिव्यू में इसकी वीडियो भी मैं अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि इसकी जो किक है और इसका रिकॉयल है वो कैसा है। कंसील कैरी के लिए बहुत अच्छा वेपन है ये, वेरी हैंडी। 357 कैलिबर का ये रिवॉल्वर है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लोड कैसे करते हैं रिवॉल्वर को। ये इसका थंब रिलीज लैच है, इसको आपने पुश करना है और इस साइड से जो इसकी लेफ़्ट साइड है यहाँ से आपको सिलेंडर को आपको पुल करना पुश करना होगा। व्हेन यू पुश दिस थंब लैच और यहाँ से आपको पुश करेंगे तो इसका सिलेंडर बाहर आ जाता है। फाइव शॉट इसका सिलेंडर है। बहुत से लोग मूवीज़ में देख के इसको फैंटेसी करते हैं लोड करने का, इसका मज़ा ही अलग है। तो व्यूअर इस तरीके से इसके सिलेंडर में बुलेट्स हमारी लोड हो गई हैं और जब आपने इसको फायर करने के बाद शूट करने के बाद जब इसका जो राउंड एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी राउंड्स को आप किस तरह निकालते हैं, ये एक्सट्रैक्टर रॉड है इसकी, इसको आपने पुश करना है। तो ये देखें आप तकरीबन ऑलमोस्ट 1 इंच ये बुलेट्स को बाहर निकाल देता है और आपने ये कर देना है। दैट्स इट, वेरी इजी। तो व्यूअर्स आपने इसकी छोटी सी वीडियो देखी टॉरस की और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना पावरफुल वेपन है ये। और इसका मज़ल फ्लिप वीडियो में आपने देखी, इसका रिकॉइल आपने देखा। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई आप टॉरस का वेपन लेते हैं तो ये आता है कार्डबोर्ड बॉक्स में लाइक दिस। दिस पर्सनली डज नॉट इम्प्रेस मी मच और वेपन ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होता है। तो जब भी मैं कोई टॉरस का वेपन लेता हूँ सो आई मेक श्योर कि मैं आफ्टर मार्केट प्लास्टिक बॉक्स ज़रूर परचेज करूँ, जैसे मैंने ये लिया है। तो इट कीप्स योर वेपन वेरी सिक्योर। क्योंकि वेपन की सेफ्टी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। से नो टू एरियल फायरिंग, एरियल फायरिंग इज़ वेरी डेंजरस। हवाई फायरिंग से परहेज़ कीजिए। शूटिंग का शौक़ आप रखते हैं तो शूटिंग रेंज पे जाइए, शूटिंग रेंज की मेंबरशिप लीजिए। और अगर उसके भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आपको मैं मेथड बताऊंगा शूटिंग रेंज मेंबरशिप कौन सी अच्छी है और कौन सी लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।